सरप्राइज। सरप्राइज। हेलो, धन्यवाद। कैसा लगा सरप्राइज? बढ़िया बढ़िया। हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 12 बजे से। जी हाँ, क्योंकि मेरे बेटे का ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको सरप्राइज़ दूँ। तो आज उसकी फेवरेट चीज़ बना रही हूँ रात को 12 बजे। तो देखिए, घर पे कुछ सामान अवेलेबल था जैसे सबके घरों में ही होता है। तो यहाँ मेरे पास गुलाब जामुन की चाशनी बची हुई रखी थी और मिल्क पाउडर लिया है मैंने, ब्रेड ली है और लिया है थोड़ा सा दूध। तो मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में मैं डालूँगी थोड़ा सा दूध, 1/4 कप मैं यहाँ पर दूध डालूँगी। मैं जो बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ इंस्टेंट वाला शाही टुकड़ा, बहुत जल्दी बन जाता है। 1/4 कप दूध डाल दिया मैंने और ये होममेड मिल्क पाउडर है, थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ था, तो होगा ऐसे 2 टेबलस्पून के करीब, वो मैंने डाला है। और साथ में डाला है 1 पैकेट और मिल्क पाउडर का। तो ये होममेड मिल्क पाउडर जो है उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग घर में किस तरीके से मिल्क पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर मैं डालूँगी 2 टीस्पून भर के देसी घी, क्योंकि हम इंस्टेंट वाली रबड़ी बना रहे हैं, बिल्कुल लो हीट पे इसको बनाएंगे। 1/4 कप दूध डाला है और 1 पैकेट और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाला है और मैंने डाला है 2 टीस्पून भर के घी। इसको बिल्कुल बिल्कुल लो हीट पे इसको पकने देंगे। 2 से 3 मिनट में हमारी इंस्टेंट रबड़ी बन के तैयार हो जाती है। तो जब तक रबड़ी बन रही है लो हीट पर, हम यहाँ पर अपनी ब्रेड को सेक लेंगे। मैं यहाँ पे देखिए इसको मैं डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि डीप फ्राई करके ना ब्रेड बहुत ज़्यादा तेल पी जाती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगा के उसको एकदम क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी, सेक लूँगी दोनों तरफ से, बिल्कुल ब्रेड हमारी क्रिस्पी होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगा के और लो टू मीडियम हीट पर हम इसको एकदम क्रंची सा सेक लेंगे अच्छे से। तो गाइस, कभी भी जैसे आपको कुछ मीठा खाने का मन करता है ना, घर पे कभी अचानक से गेस्ट आ जाएं, तो आप ये स्वीट डिश बना सकते हैं। डिज़र्ट बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और घर पे ही रखे कुछ सामान से बन जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मिनट हुए हैं लो हीट पर पकते हुए और हमारी रबड़ी यहाँ पर बन के तैयार है। कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। इस टाइम पर मैं गैस को बंद कर दूँगी और ये धीरे धीरे, अभी थोड़ी पतली लग रही है लेकिन धीरे धीरे रखे रखे अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तो हमारी रबड़ी तैयार है बिल्कुल 2 मिनट के अंदर और दूसरी साइड हमारी ब्रेड सिक रही है। तो मैं ये कह रही थी कि जब भी आपके घर पे गेस्ट आ जाए ना और आपको कुछ समझ में नहीं आए कि मीठे में क्या बनाएं, तो ये डिज़र्ट आप ट्राई कर सकते हो। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बनाने में भी बहुत इजी है। और साथ में कई बार जैसे हमारे घर में चाशनी बच जाती है गुलाब जामुन वगैरह की या रसगुल्ले वगैरह की, तो आप उस चाशनी को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें समझ में नहीं आता कि उस चाशनी का करें क्या, या तो वो रखे रखे ख़राब हो जाती है, जम जाती है, या तो फिर वो फेंकने में आती है। तो चाशनी का यूज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो आप उसका हलवा बना सकते हैं, या तो इस तरीके से शाही टुकड़े में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज, मेरे पास जो चाशनी रखी थी मैं उसे इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, ब्रेड एक तरफ से ना बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है, ये देखिए। तो पलट दूंगी मैं साथ साथ और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी। और एक कटोरी में मैं डालूँगी चाशनी और इसको गर्म कर लूँगी बिल्कुल, मतलब लो हीट पर चाशनी को गर्म करना है वरना हमारी चाशनी जल जाएगी। तो देखिए, लो हीट पर मैंने चाशनी को गर्म होने रख दिया। इसमें हमारी ब्रेड भी गर्म होनी चाहिए सिकी हुई और हमारी चाशनी भी गर्म होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो अगर ठंडी चाशनी में हम ब्रेड डाल देंगे ना तो ब्रेड एकदम अकड़ जाती है। तो ये देखिए, मैंने ब्रेड को इस तरीके के पीसेस में कट कर लिया है, सर्व कर लेते हैं। चाशनी देखिए खूब अच्छे से गर्म है। अब अच्छे से चाशनी को ना सारी ब्रेड के ऊपर डाल देंगे, ब्रेड जो है चाशनी में अच्छे से सोख हो जानी चाहिए, तो क्रिस्पी भी रहती है और एट द सेम टाइम ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती, तो बहुत अच्छा सा टेक्स्चर आता है खाने में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ये लोग डिज़र्ट ना। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं ब्रेड में चाशनी डाल रही हूँ और अच्छे से मैंने सारी चाशनी डाल दी है। और ये देखिए, हमारी रबड़ी का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। आप इस रबड़ी को ना जलेबी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। मालपुए के साथ खा सकते हैं, गुलाब जामुन के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है रबड़ी। खाली ऐसे भी बना के आप खा सकते हैं। तो इस रबड़ी को मैं, इस जो हमने चाशनी डाली है इस ब्रेड के ऊपर, पूरे अच्छे से रबड़ी को पोर कर देंगे अच्छे से। और इस रबड़ी का इतना अच्छा टेस्ट आता है ना गाइज, आप लोग ट्राई कीजिएगा। खाली जैसे कभी रबड़ी खाने का भी मन होता है ना, आप इस तरीके से बना के खा सकते हैं, मिल्क पाउडर, दूध और देसी घी के साथ। इसमें कोई चीनी भी नहीं हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल घंटों दूध को कड़ाना नहीं होता, 2 मिनट के अंदर हमारी रबड़ी बन के तैयार हो जाती है। और थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट्स मैंने जल्दी से काट लिए थे, तो देखिए बादाम और काजू और किशमिश मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ में इसकी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए, थोड़ा सा कलर इसमें पॉप करने के लिए, मैं इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। और मेरे पास थोड़े से कुछ ना सूखे रोज़ पेटल्स रखे हुए थे, वो मैं इसमें गार्निश कर दूँगी। देखिए, बन गया हमारा शाही टुकड़ा इंस्टेंट वाला। अब आप टाइम देखिए कि मैंने आपको 12 बजे टाइम दिखाया था कि मैं 12 बजे किचन में आई थी बनाने के लिए, ठीक है। और अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे हो रहे हैं 12:15।
15 मिनट में हमारा इंस्टेंट वाला शाही टुकड़ा एक बढ़िया सा डिज़र्ट बन के तैयार है। ले चलते हैं बेटे के पास उसको सरप्राइज़ देने। सरप्राइज सरप्राइज हेलो, धन्यवाद। कैसा लगा सरप्राइज? बढ़िया बढ़िया, टूट पड़ने लगा सब। आप भी खा लो थोड़ा सा मैडम। ठीक है, खुश? बहुत ज्यादा। खा के बताओ। बहुत ज्यादा। इंस्टेंट वाला बनाया टेस्ट से मतलब है, इंस्टेंट वाला चाहे दो मर्जी। हाँ, टेस्ट टेस्टी तो हो गई, बस घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी जल्दी जल्दी उससे बना दिया। खा के बताओ पहले, है ना क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची और सॉफ्ट एट द सेम टाइम। सही बना? अंगूठा यहाँ पे भी दिखा दो। मज़ा आया? चलो इंजॉय करो। तो ये देखिए रात को 1 बज रहा है और मैंने ग्रोफर से ना 11:35 या 11:40 पे ऑर्डर किया था और 20 मिनट्स का टाइमिंग दिखा रहा था डिलीवरी का कि 20 मिनट्स में डिलीवर हो जाएगा, बट रात को 1 बजे इन लोगों ने मुझे डिलीवरी दी है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है इस वजह से। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह हो चुकी है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, एकदम सफ़ेद धूप है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी। कभी बारिश हो रही थी, कभी पॉल्यूशन की वजह से नहीं मतलब धूप निकल पा रही थी, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि धूप बहुत अच्छी निकली। कल भी बहुत अच्छी धूप थी और आज भी बहुत अच्छी धूप है। तो मैंने कंबल वगैरह ना अभी धूप में डाल दिया सूखने के लिए, और मेरे दोनों बच्चे अपने अपने ऑफिस चले गए हैं। मैंने उनको लंच वंच पैक करके दे दिया है और घर भर भी पूरा समेट लिया है पीछे। तो उसके बाद अब होगी सफाई। तो सफाई करने से पहले मैं सोची थी कुछ सामान, आप लोगों ने देखा ना रात को 1 बजे ग्रोफर्स वालों ने डिलीवरी करी। मैंने ऑर्डर करा था 11:40 पे, उसमें दिखा रहा था कि मतलब सामान की डिलीवरी 20 मिनट्स में हो जाएगी, बट वो 1 बजे डिलीवर हुआ। इस चक्कर में मेरी नींद भी ख़राब हुई और मैंने सोचा कैंसिल कर दूँ, बट वो कैंसिल भी नहीं हो रहा था। तो ना मुझे मजबूरी में वो सामान लेना ही पड़ा। चाहिए तो था हालाँकि मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रात को 1 बजे डिलीवर करेंगे। तो क्योंकि 20 मिनट्स की डिलीवरी का स्लॉट दिखा रहा था कि 20 मिनट्स में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, तो मैंने इसलिए कर दी थी। मैंने कहा चल बहुत लेट होगा, 12 बजे तक आ जाएगा, जब तक तो मैं वैसे ही जागती रहती हूँ मैं और बच्चे। लेकिन 1 बजे डिलीवर हुआ। तो उसके साथ मैं कल कुछ और सामान भी लाई थी, तो मैं सोच रही हूँ वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कल क्या लिया था, जिससे मेरे बच्चों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। और सोफे पे कपड़े देख रहे हैं ना आप लोग, तो वो कपड़े मैंने कल धोए थे और धूप में खूब अच्छे से सूख गए हैं। अब मैं इनको बैठ के सफाई करने के बाद ये सारे कपड़े फोल्ड करूँगी। तो चलो उससे पहले आप लोगों को ना सामान दिखा। तो ये वो सामान है सारा, ये मैं कल मार्केट से ख़रीद के लाई थी, मेरे लोकल मार्केट से, और ये ग्रोफर से आया था। तो ये मैं दिखा देती हूँ, तो पहले ये ले चलती हूँ। ये सामान मैं कल अपने लोकल मार्केट से ख़रीद के लाई थी, शेयर करूँगी इसमें क्या क्या है, और बहुत ज़रूरत का सामान है सारा इसमें ना। और ये वाला सामान ये दिखाती हूँ आप लोगों को, इसमें क्या मंगाया है, सारा ज़रूरत का सामान है। और ये आटा है, ठीक है, इसमें क्या क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जल्दी से। तो पहले कैंची ले लेती हूँ, ठीक है, तो इससे हम शुरू करेंगे। शुरू करते हैं, पहले ये वाला दिखा देती हूँ मैं आपको काट के ना। रिफाइंड मंगाया मैंने और सरसों का तेल, ये वाला सरसों का तेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये वाला रिफाइंड मंगाया है। रिफाइंड चेंज करके मंगाती रहती हूँ, तो जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना रिफाइंड और सरसों का तेल मैंने मंगा लिया है। तो पाउच वाला सरसों का तेल मैंने इसलिए मंगाया है, बॉटल वाला इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि ना मैंने इस तरह की, मेरे पास ऑयल कंटेनर है आप लोगों को पता है, मैंने दिखाया मीशो से मंगाया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये जो ये है ना पैकेट खोल के मैं सीधा इसमें डाल देती हूँ, फिर एक्स्ट्रा बॉटल की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं पाउच वाला मंगाती हूँ, ठीक है गाइस। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। तो ये ऑयल और सरसों का तेल है इसमें, और इसमें जो मैंने मंगाया है, इसमें मैंने मंगाया है ये राइस फ्लोर मंगाया है और मैदा मंगाया है, क्योंकि कुछ मुझे केक वगैरह बनाना था और छोले भटूरे भी बनाने थे, तो मैंने 1 किलो मैदा मंगाया है। और लाल मिर्च ख़त्म हो रही थी, और धनिया पाउडर, नमक,
और ये बिरयानी मसाला गाइस, ये बहुत अच्छा बिरयानी मसाला है, 20 रुपये का एक पैकेट है और बहुत अच्छा मसाला है, उसको ज़रूर ट्राई करना, कोहिनूर का मसाला, बिरयानी मसाला बहुत अच्छा है। इससे पुलाव वगैरह भी बना सकते हैं, वेजिटेबल बिरयानी भी बना सकते हैं, नॉनवेज बिरयानी भी बना सकते हैं। तो अभी तक मैंने नॉनवेज बिरयानी इसे ट्राई तो नहीं की है, बट मैंने इसे पुलाव और वेजिटेबल बिरयानी बनाई है, पनीर बिरयानी बनाई है, अंडा बिरयानी बनाई है, बहुत अच्छी बनती है। तो ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आपको जहाँ भी मिले ना कोहिनूर का बिरयानी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला देख सकते हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको एक बार। और पेस्ट ख़त्म हो रहा था तो ये भी मैंने मंगाया है, ठीक है गाइस। ये तो दो हैं, 150 ग्राम्स के, इसमें दो है, दो पेस्ट हैं, ठीक है। तो ये मैंने मंगाया, और एक मैंने मंगाया है मिठाई मीट, कंडेंस्ड मिल्क है। वैसे ज़्यादातर मैं कंडेंस्ड मिल्क घर पे बनाती हूँ, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड कर दी कर रखी है मैंने, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। बट इस बार ना अभी बनाने का मन नहीं था मेरा, तो मैंने कहा चलो मैं, इसको ऑफर में मिल रहा था ग्रोफर्स पे, तो इसलिए मैंने इसको मंगा लिया, ठीक है गाइस। क्योंकि कुछ ना कुछ रेसिपी मैं इसकी शूट करके फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक मैंने ये मंगाया, 400 ग्राम्स का है, ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये मंगाया है। और आटा मंगाया है, आटा नीचे रखा है, आप लोगों ने देख लिया है। तो ये घर का सामान आप लोगों ने देख लिया, किचन का। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बच्चों के लिए और घर के लिए जो मैं बहुत ज़रूरी सामान लाई थी। काम देखो चल जाता है, लेकिन काम कितने टाइम तक हम चलाएंगे, तो बहुत जब कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं ना, मैं तब लेती हूँ। तो बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा यार इसका सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो बच्चों की सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला उनकी प्रॉब्लम का, वो मैं चलो आप लोगों, तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चे ना जब खाना लेके जाते थे, मतलब लेके जाते हैं, तो उनके लिए मैं मतलब एयरटाइट ऐसे डब्बे लेकर आई हूँ जो लीक प्रूफ है और एयरटाइट है। पहले भी मैं लेकर आई थी, लेकिन वो ऐसी मतलब बाज़ार से ले आई थी, लेकिन उसमें ना खाना ऑयल वगैरह लीक हो जाता था, तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। कई बार बैग में हालांकि अच्छे से रैप करके देती हूँ पॉलीथीन वगैरह में, लेकिन फिर भी वो लीक हो जा रहा था डब्बे में से, तो फिर वो फिर मैसी हो जाता है काफ़ी। इस चक्कर में ना फिर मैं ऐसे बॉक्सेस लेकर आई हूँ बच्चों के लिए दोबारा से, ये देखिए। तो ये लीक प्रूफ है और एयर टाइट है, तो ये लेकर आई हूँ। इसमें के दो डब्बे लेके, मतलब दो डब्बे बच्चों को दे दिए हैं मैंने, एक बेटा लेके गया, एक बेटी लेके गई है, ठीक है गाइस। एक ये वाला लिया है मैंने, ये बड़ा है, जैसे कई बार बच्चे चावल वावल लेके जाते हैं ना और साथ में चटनी अचार वगैरह देना होता है, तो चटनी अचार और दही वगैरह के लिए मैंने ऐसे डब्बे लिए हैं, दो छोटे छोटे, और ऐसा बड़ा डब्बा लिया है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, एक मैंने राउंड लिया है, ये देखिए। तो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आज मैंने इसमें खाना दिया है, तो इंशाल्लाह लीक तो नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी होगा वो शाम को बच्चे मुझे बता देंगे कि हाँ खाना मतलब लीक हुआ, क्योंकि सूखी सब्जी होती है ना तो चल जाता है गाइस, कई बार ग्रेवी वाली सब्जी देनी होती है ना तो फिर उसमें लीक कर जाता था। तो ये मैंने डब्बे तो आप लोगों को दिखा दिए, ये मैंने चार प्लेट लिए इस तरीके की, ये देखिए। क्योंकि प्लेट जो है ना वो घर में टूट गई थी और पुरानी हो गई थी, तो मतलब यूज़ करने के लिए अब बची नहीं थी प्लेटें, तो मैंने कहा चलो अभी चार प्लेट्स ले लेती हूँ, बाकी बाद में देखा जाएगा, क्योंकि तीन लोग हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, तो इस तरीके की मैंने चार प्लेटें ली, मेलामाइन की प्लेट्स हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी ना, ये देखिए मार्बल जैसी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मैंने चार प्लेट्स ली हैं। पुरानी वाली भी दिखाऊंगी आपको कैसी एकदम ख़राब हो गई हैं, इस चक्कर में मुझे नई लेनी पड़ी। चार प्लेट्स के अलावा मैंने ली है 6 कटोरियाँ, क्योंकि ये कटोरियाँ मुझे चाहिए थी, मेरे पास स्टील की एक भी कटोरी नहीं थी, सारी प्लास्टिक और क्रॉकरी की कटोरियाँ थी, वो भी पुरानी हो गई थी, जिनमें से बहुत सारी टूट गई हैं, तो मैं उन सबको मुझे निकालना था। तो ये देखिए इस तरह की कटोरी ली है मैंने, 6 छोटी कटोरियाँ ली हैं और 6 बड़ी कटोरियाँ ली हैं, ये देखिए। जैसे सब्जी वब्जी के लिए होता ना, सब्जी के लिए हो जाएगा, रायते वगैरह के लिए हो जाएगा, तो इस तरह की बड़ी कटोरी ली है मैंने, ये देखिए। तो दोनों एक जैसी हो जाएंगी, ये देखो, तो 6 छोटी कटोरियाँ ली हैं और 6 बड़ी कटोरियाँ ली हैं, अभी इतनी ही ज़रूरत थी इसलिए मैंने इतनी ही ली है। और मैंने लिया है एक तड़का पैन, इसकी ना गाइस मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कई बार जैसे खिचड़ी विचड़ी बनानी होती है ना उसमें कम चौंका लगता है, तो उसके लिए मुझे बड़ा वाला पैन ही यूज़ करना पड़ता था। तो इसको काफ़ी टाइम से मुझे चाहिए था, लेकिन मैं सोची थी ठीक है यार काम चल रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा यार कब तक काम चलाऊंगी, तो फिर एक मैंने ये ले लिया तड़का पैन, क्योंकि ये ना खिचड़ी विचड़ी में छौंका लगाने के लिए या कुछ भी कम जिसमें छौंका लगाना है ना उसके लिए ये बहुत काम की चीज़ होती है। तो एक मैंने फिर ये ले लिया, ये मुझे मतलब काफ़ी टाइम से मैं लेने का सोची थी, तकरीबन मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल से मैं खींच रही थी कि लूँ कि नहीं लूँ, लूँ कि नहीं लूँ, बट फाइनली मुझे लगा नहीं यार इसकी ज़रूरत सच में ही ज़्यादा है, क्योंकि मतलब हफ्ते में एक बार तो मेरे घर में खिचड़ी बनती ही है लाइट खाने के पर्पज़ से, तो उसमें तड़का लगाना ही होता है, तो फिर ये मैंने उसके लिए लिया है।
और एक मैंने लिया है इस तरह का, ये बड़ा पैन, फ्राई पैन मेरा टूट गया था, उसका हैंडल वगैरह टूट गया था, तो फिर ये मैंने लिया है, ये देख सकते हैं ना आप लोग, ये देखिए, तो ये प्रिंगल का है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली मेरे पास जो था ना वो मतलब एल्युमिनियम का जो होता है वैसा था एक, वो काफ़ी टाइम से ख़राब हो गया था, मतलब पूरा एल्युमिनियम का आपको पता है ना, बर्तनों को ज़्यादा टाइम यूज़ कर लूँ तो क्या हाल हो जाता है, हालांकि मैं ध्यान रखती हूँ, मानसी रहती हूँ अच्छे से, बट फिर भी काफ़ी घिस गया था, काफ़ी पुराना हो गया था, तो वो मैंने रिटायर कर दिया उसके, तो मैंने अब ये वाला लिया है, ये मुझे बहुत पसंद आया था, देख सकते हैं आप लोग, तो फिर एक मैंने ये लिया क्योंकि इसकी भी मुझे बहुत ज़रूरत थी। पुराना वाला पैन मेरा वॉश करने के लिए रखा है, वो दिखाऊंगी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है और उसका हैंडल वगैरह भी टूट गया था, बहुत ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। तो ये वाला मैंने सामान जो है सारा जो लिया है वो आप लोगों को दिखा दिया, चार प्लेट्स लिए हैं ये वाले, फ्राइंग पैन लिया है और तड़का पैन लिया है, और छः छोटी कटोरियाँ ली थी और छः ली थी मैंने बड़ी कटोरियाँ, ठीक है गाइस। और ये वाले मैंने बॉक्सेस लिए बच्चों के लंच बॉक्स, चटनी अचार वगैरह के लिए, और ये दो डब्बे एक्स्ट्रा लिए मैंने, क्योंकि कभी कुछ जैसे एक्स्ट्रा देना होता है ना, क्योंकि बच्चे लंबे टाइम तक के लिए बाहर रहते हैं तो उनको दो बार मतलब ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक और टी ब्रेक, तो उसमें कुछ ना कुछ जैसे स्नैक वगैरह देना होता है खाने के अलावा, तो वो मैं इन बॉक्सेस में आराम से दे सकती हूँ, तो इसलिए लिया मैंने। तो जो भी सामान मैंने लिया था ज़रूरत का है, एक एक चीज़ मेरे ज़रूरत की है, इसलिए मैंने बाय किया, ठीक है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इन सामान के बिना, क्योंकि दिवाली पे ना मैंने दिवाली स्पेशल थाली जो है वो शेयर की थी, तो उस मैं मुझे लगा कि मेरे पास कटोरियाँ होंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब शादी की कटोरियाँ थी, उसके बाद से मैंने कभी बाय ही नहीं करी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी ऐसी, और मतलब जैसे प्लास्टिक की कटोरियाँ या क्रॉकरी की कटोरियाँ उनसे काम चल जाता था, लेकिन एक थाली जो होती है ना गाइस, वो जब तक स्टील के मतलब बर्तनों में ना परोसी जाए, या फिर पीतल में हो या तांबे में हो, तो वो चीज़ ठीक रहता है, डेली खाने के लिए डेली पर्पज़ के हिसाब से पीतल और तांबे का तो यूज़ मतलब नहीं हो सकता उतना, तो मैंने कहा चल स्टील का तो होना ही चाहिए, लेकिन जब मैंने ऊपर चेक किया ना जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ, तो वहाँ पर स्टील की एक भी कटोरी नहीं थी, फिर मुझे ध्यान आया कि वो काफ़ी पुराने बर्तन हो गए थे, शादी के बर्तन थे, कुछ कुछ में ना मतलब रस्ट लग गया था, जंग लग गया था, तो उन बर्तनों को मैंने निकाल दिया था, तो दिवाली पे मुझे बहुत दिक्कत हुई, मुझे मतलब इमीडिएट भाग के जाना पड़ा, मैं कटोरियाँ खरीद के लाई, उसके बाद मैंने जो है वो थाली की रेसिपी शेयर की थी, तो इसलिए मुझे कटोरियाँ लेनी ही थी, मैंने कहा नहीं यार कुछ कटोरियाँ तो स्टील की भी होनी ही चाहिए, लाख क्रॉकरी की हो, कांच की हो, कैसी भी हो, लेकिन स्टील की कटोरियाँ भी घर में होनी चाहिए, तो ये अभी 12 कटोरियाँ मैंने ली हैं, 6 छोटी और 6 बड़ी, बस मुझे इतनी ज़रूरत थी इससे मैंने इतनी ली, और डब्बे लिए बच्चों, या बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो ये सामान मैंने लिया था, और ग्रोफर्स वालों ने बहुत परेशान करा रात को, एक तो एड्रेस का हमको इतना कन्फ्यूज़न होता ना, मैं क्या बताऊँ, बाकी ठीक है चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता, ये भी एक एक्सपीरियंस था। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बजे हैं शाम के 4:30 और कुटकुट को आपने देखा, ये मेरे पास बैठ के अपनी टूटी फूटी इंजॉय कर रहा है, ठीक है, और ये कुटकुट का डिब्बा है, इसमें उसकी टूटी फूटी होती है, ये कहीं भी होता है उसको डिब्बा दिखा दो ना आपके पास भाग के आ जाएगा, उसने टूटी फूटी खा ली और अभी वो जाके ऊपर पानी पी रहा है, ठीक है दिखाती हूँ। तो कुटकुट अपना पानी पी रहा है। आज का ब्लॉग अब मैं यहीं एंड कर रही हूँ, आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मेरा काम थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना गाइस, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और जितने भी रिव्यूज़ मैं कर चुकी हूँ हमेशा उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के काम की निकल जाएँ, ठीक है गाइस। तो ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, कुकिंग चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, बाय।